हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला ये मेथड हमने, उसमें जो फॉर्मूला था जैसे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सी, इस तरीके से फॉर्मूला। तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसे हमने क्या बोला, जैसे इसे हमने बोला था जैसे डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोले थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी से हम डिनोट कर सकते हैं, या तो इसे हमने डेल्टा भी बोला था। डेल्टा का जो सिंबॉलिक फॉर्म है इस तरीके से है, दैट इज ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो साइड है इसे थोड़ा सा मोटा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंबॉल है ये डेल्टा होता है, या तो डिस्क्रिमिनेंट, ये दोनों में से कुछ भी आप यूज करोगे तो भी मीनिंग सेम रहेगा। तो ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके वैल्यू के ऊपर, इसके वैल्यू के ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है उनका नेचर डिपेंड है। क्या डिपेंड है, नेचर। तो अभी देखो यहां पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कैसी हो सकती है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू एक तो जीरो हो सकती है, क्या हो सकती है, जीरो। समझ लो यहां पे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाता है उनका जो नेचर है, रूट्स का नेचर है वो किस टाइप से रहेगा। तो रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। फिर से जानो बच्चों, यहां पे हमें थ्री कंडीशंस देखना है डिस्क्रिमिनेंट। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कंसिडर की है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे वक्त क्या होगा, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उनके रूट्स यानी सॉल्यूशन, बराबर है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से रहेंगे, एक तो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, यानी दोनों के दोनों रूट्स रियल और इक्वल रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम यदि प्रॉब्लम देखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको पता है, बराबर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू देखना है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पे ए की वैल्यू, इसे कंपेयर किया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद आपको ए की वैल्यू मिलती है बी, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू एंड सी की वैल्यू वन। क्लियर बच्चों? तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर से ए बी और सी की वैल्यू मिली है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमें निकालना है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मतलब होता है एक तो हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे या तो डेल्टा बोलेंगे, ओके okay, एक तो डी लिख सकते हैं या तो सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, तो कितना होगा माइनस टू स्क्वायर यानी फोर माइनस फोर दैट बिकम जीरो। देखो ये जो पहली कंडीशन है तो इसमें हम क्या बोलेंगे अभी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो रूट्स है, इनकी क्या रूट्स या तो सॉल्यूशन वो कैसे रहना है, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, रियल और इक्वल रहेंगे। क्लियर बच्चों? सेकंड कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। अबे ग्रेटर देन जीरो यदि हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। कैसे है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यदि है तो रूट्स कैसे रहेंगे, तो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल।
एंड कैसे रहेंगे अनइक्वल, यानी दोनों के दोनों रूट्स तो रियल रहेंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। इस इक्वेशन में आपने ये रूट्स निकाले तो केवल रियल रहेंगे और इक्वल, यानी दोनों के दोनों रूट्स सेम रहेंगे इस कंडीशन में। अभी ये कंडीशन में क्या होगा कि ग्रेटर देन जीरो यदि है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। और थर्ड कंडीशन होगी v² - 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो रहा है कि ये जो v² - 4ac है इनकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस में मिलने वाली है। यदि माइनस में मिलने वाली है तो कैसे रहेगी, रूट्स यानी सॉल्यूशन आर नॉट रियल। यानी या ये कंडीशन में हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रियल नहीं होंगे, तो ये जो हमने v² - 4ac की वैल्यू निकाली है तो थ्री टाइप से हमें वैल्यूज मिल रही है। एक तो जीरो होगी, लेस देन जीरो होगी, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी। समझ लो यदि जीरो है तो रूट्स कैसे रहेंगे बच्चों, तो रियल एंड इक्वल। ठीक, समझ लो लेस देन जीरो है यानी निगेटिव हमें आंसर मिल रहा है तो ऐसे वक्त रूट्स कैसे रहेंगे, नॉट रियल यानी रियल नहीं रहेंगे। और बाद में यदि v² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगी तो हमेशा रूट्स रियल और डिफरेंट होगी। तो ये जो थ्री पॉइंट्स है इसके ऊपर ही हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये थ्री प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे डेल्टा भी बोल सकते हो, यानी डेल्टा ही वर्ड आएगा तो दूसरा कुछ नहीं होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट होगा, यानी v² - 4ac की वैल्यू भी आपको निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें उनके जो रूट्स है उनका नेचर भी यहां पे डिस्क्राइब करना है, बताना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये थ्री कंडीशंस आपके पास है और हम अभी इसे क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर द नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो रेडी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम √2 x² + 4x + 2 √2 = 0। देखो बच्चों इस टाइप से हमें इक्वेशन दिया गया है। अभी हमें क्या करना है, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी v² - 4ac। अभी v² - 4ac की वैल्यू यदि चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले abc की वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं। क्या डिसाइड करेंगे, हम abc की वैल्यू डिसाइड करेंगे और डिसाइड करने के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करना है बच्चों, तो ax² + bx + c = 0। देखो इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर करा है। तो देखो अभी x² का कोएफिशिएंट यहां पे ये है तो यहां पे कितना है √2, सो द वैल्यू ऑफ a = √2। क्लियर, what is the value of b, what's for the value of b, yes x का कोएफिशिएंट भी, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4, so the value of b = 4, the value of c = √2। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहां पे किया है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो नाउ d लिखो, या तो हमने डेल्टा भी निकाला तो भी चलेगा इस तरीके से। बच्चों देखो यहां पे हमें इस तरीके से डेल्टा भी निकालते आता है, एबीसी बॉल निकाला तो भी चलेगा, या तो d लिखा तो भी चलेगा। d क्या होगा, v² - 4ac होगा। d क्या होगा, v² - 4ac। तो देखो अभी b की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है √2। क्लियर, और c की वैल्यू क्या है, तो 2√2 है। क्लियर, एंड सो 4² = 16 माइनस
फोर टू जार एट, रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है टू, छोटी आखिर में क्या होगा फोर टू जार एट, एट टू जार सिक्सटीन, तो कितना आ गया सिक्सटीन। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये चारों का मल्टीप्लीकेशन। देखो 16 माइनस 16 कितना हो रहा है जीरो, ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। ये किसकी वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। अभी हमें नेचर बताना है, नेचर किस टाइप का होगा, आइदर द रूट्स आर रियल और इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट एंड अनइक्वल एंड द रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तीनों में से हमें बताना है। और आपको पता है जब d की वैल्यू जीरो होती है तो आंसर क्या होगा, आपका रूट्स आर रियल होंगे और सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बच्चों ये ध्यान में आ रहा है आपको, आपके दो मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, बहुत ही सिंपल है। आपको यदि नेचर डिसाइड करने के लिए बोल दिए तो आपको थ्री कंडीशंस की तरफ देखना है। ये द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि जीरो होती है तो रूट्स रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो यदि होती है यानी निगेटिव यदि होती है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल और डिफरेंट नॉट रियल रहेंगे। एंड इफ द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो होंगे तो रियल्स, द रूट्स आर रियल्स एंड अनइक्वल। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, जैसे 2x² - 5x + 7 = 0। इस तरीके से हमें फिर से एक इक्वेशन दिया गया है। पहले तो देखना है हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे हम कंपेयर करते हैं। ऑल कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करना है बच्चों, तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर दो तो अभी a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -5 होगा और c की वैल्यू क्या रहेगी, तो दैट इज 7। बराबर है, इस तरीके से वैल्यूज मिलने वाली है। अभी हम क्या करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट आप दो तरीके से बता सकते हो, एक तो d से, कैपिटल d से, या तो डेल्टा से। तो हम अभी कैपिटल d से समझ लो, इस तरीके से होता चलेगा। तो सिंबल निकालते समय एक बात ध्यान में रखता है, यहाँ पे जो ये एज है ना, ये साइड इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, खिलाया पिला उसको और मोटा कर दिया दोनों के कंपेयर से। तो यहाँ पे क्या होगा, b² - 4ac होगा, तो बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है, -5। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट करवा दिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पे b² - 5 है तो -5² इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 5 का स्क्वायर आपने लिया है, केवल 5 का स्क्वायर लिया है, -5 का स्क्वायर नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं और -4 * a की वैल्यू हमें 2 और c की वैल्यू कितनी है 7। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, -5² यानी कितना हो रहा है 25, और यहाँ पे क्या होगा 4 + 8 = 8 - 7 = 56 - 56। अभी ये दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी, 6 - 5 = 1 - 5 - 2 = 3। greater number sign is minus, so it is less than 0। ये क्या हो गया, less than 0 हो गया, यानी डेल्टा की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो यदि होती है तो रूट्स कैसे रहेंगे, हेंस द रूट्स आर नॉट रियल। यहां पे हमें रियल रूट्स मिलने वाले नहीं है, दैट इज नॉट रियल। क्लियर बच्चों,
तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। और एक लास्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं और यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों, इस तरीके से हमें इक्वेशन दिया गया है, इस तरीके से इक्वेशन दिया। अभी हमें क्या करना है, पहले इसे तो कंपेयर करना है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। हमने इसके साथ कंपेयर किए हैं तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 7 और सी की वैल्यू होगी माइनस। हो गया इसे। बाद में हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर यानी 7 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू माइनस। तो 7 स्क्वेयर कितना हो रहा है 49, माइनस इंटू माइनस कितना हो रहा है प्लस 4 1 4 1 4 that is 4 and so the answer is 53. It is positive. एक ऐसा है positive है यानी greater than 0 है। Positive यानी मतलब क्या हो रहा है, greater than 0 है। तो मुझे बताओ बच्चों अभी क्या होगा, यहाँ पे roots greater than 0 है तो मतलब roots are real and unequal. Hence the roots are real and unequal. The roots are real and unequal. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों? और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, मिनिमम 15 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, वो उसे आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक? ओके, बाय बाय।